गाइज, बैंकों को किस दिन डकैत यानी कि चोर सबसे अधिक डकैती उसी दिन करता है बैंक में, किस दिन को? आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे जानकारी मिलेगा कि उसी दिन क्यों होता है। केले एक ऐसा फल है जो कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को लगभग केले सबसे पसंदीदा माने जाने वाला फल है। लेकिन मैं बताता हूँ कि केले इतने भी लोगों को पसंद नहीं है, जो कि जैसे कि कुछ कुछ परसेंट ऐसे व्यक्ति हो जो केले के लिए बहुत नफरत करते हैं। वो केले को अगर देखकर उन्हें कह दिया जाए कि आप एक केले फल खा ले तो उनको गुस्सा बहुत अधिक आता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं है, वह बहुत एलर्जी करते हैं केले से। गाइज, आप कभी सुने हैं कि तितली के जहर से किसी व्यक्ति के जान लिया जा सकता है या कोई जीव जंतु को? एक ऐसा तितली है जिसके जहर से बिल्लियों को 6 बिल्लियों को मारा जा सकता है। अफ्रीकी तितली, अफ्रीकी तितली में इतने जहर होते हैं कि एक तितली के बीक से यानी कि जहर से पॉइजन से 6 बिल्लियों को यानी 6 कैट को मारा जा सकता है। हाथी का ताप सबसे अगर अधिक हो जा रहा है, हाथी का ताप, तो उसे कैसे कम किया जाता है? यानी कि जैसे कि मनुष्य को फीवर अगर हो जा रहा है पर एक व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, उसके लिए दवा से अधिक कारगर किया जाता है। यानी कि उसके जो सिर पर हल्का सा सूती कपड़े को भिगा कर रखने से बुखार फीवर कम होता है। इसी प्रकार हाथी को किस प्रकार किया जाता है, उसका दवाई से अधिक उसमें कोई प्रक्रिया करने से फीवर कम हो जाए। कान पर मसलन करने से हाथी का फीवर यानी कि ताप सबसे बहुत जल्द कम होता है। गाइज, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा लाल लोमड़ी यानी कि रेड फॉक्स को क्या कहता है? रेड फॉक्स को वैज्ञानिकों द्वारा क्या नाम रखा गया है? मनुष्य द्वारा तो लाल लोमड़ी भी कह सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा क्या नाम रखा है? वैज्ञानिकों द्वारा कुलफस रेड फॉक्स का नाम रखा, यानी कि लाल लोमड़ी का नाम रखा गया वैज्ञानिकों द्वारा। गाइज, कौन सा जीव जंतु है जो हमेशा बढ़ते रहता है, यानी कि वह प्रत्येक वर्ष बढ़ना ही है, वह सूखते यानी कि मरते दम तक उसे बढ़ना ही है? पेड़ एक ऐसा है जो मरते दम यानी कि सूखते समय तक वह बढ़ते रहता है। आप लोग हैं कैसे, जो नए नए उसका जो कलियां निकलते रहता है वह तो बढ़ ही रहा है या जितना इंच हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे अधिक पेड़ ही बढ़ते हैं मरते। गोरिल्ला सबसे अधिक कितना देर सोता है और लगभग कितना देर सोता है एक दिन में? मैं बताता हूँ कि गोरिल्ला एक दिन में 14 घंटे सबसे हाई स्कोर है सोने का, लगभग उसी के करीब प्रत्येक गोरिल्ला सोते हैं। जी हाँ, कितना घंटा मैं बताया, 14 घंटा प्रतिदिन। आपको मेरे अगर वीडियो, पुरुषों और महिला के अपेक्षा क्या स्त्रियों को और पुरुषों को जो त्वचा होता है यानी कि चमड़ा, वह पतला स्त्री का होता है या पुरुष का? मैं आपको बताता हूँ कि पुरुष को स्त्री का अपेक्षा कितने परसेंट, 25% स्त्री का अपेक्षा पुरुषों का त्वचा मोटा होता है यानी चमड़ा मोटा होता है स्त्री का अपेक्षा। गाइज, एवोगार्डो को सब्जी लोग कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में क्या है, यह सब्जी है या क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि एवोगार्डो यह सब्जी नहीं, इसे फल कहा जाता है। यह लोग सब्जी कहते हैं लेकिन यह सब्जी वास्तव में है नहीं, इसे फल ही कहना चाहिए। यह गाइज, क्या आप एफिल टावर के बारे में जानते हैं? वह एफिल टावर कौन सा है? मैं बताता हूँ कि फ्रांस का जो एफिल टावर है जो पेरिस में है, उसमें सीढ़ी की तरह धापे कितने हैं? 1792 धापे हैं जो कि फ्रांस में है, वह एफिल टावर का है। सुनहरी मछली को अगर आप अंधेरे में रख दे रहे हैं यानी कि जल में रख कर अंधेरे, प्रकाश में नहीं रख रहे हैं, उसे अंधेरे में रख रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका यह प्रभाव है कि अगर आप कोई सुनहरी, आपको जो मछली पसंद है उसको आप अंधेरे में रखते हैं तो वह पीलापन हो जाएगा, यानी कि पीला कलर का मछली हो गया, या व्हाइट मछली या किसी प्रकार का मछली हो, वह पीला उसको हो जाना है, इसलिए आप प्रकाश में रखें, उसे अंधेरे में न रखें। सबसे अधिक बैंकों में किस दिन को चोरी यानी डकैती किया जाता है, ऐसा उस दिन को क्यों किया जाता है? मैं आपको बताता हूँ कि
शुक्रवार को दिन फ्राइडे को सबसे अधिक रुपया निकाला जाता है। रुपया इसलिए निकाला जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना ड्यूटी यानी कि ऑफिस से काम कर घर जाने के लिए वहाँ रुपया निकालता है, जिसके कारण बैंकों में अधिक रुपया रखे जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को रुपया देना है। और डकैत लोग कहते हैं कि शुक्रवार को सबसे अधिक रुपया रखा जाता है, इसलिए शुक्रवार को डकैती करते हैं कि एक साथ अधिक रुपये मेरे पास आ जाए, इसलिए शुक्रवार को डकैती किया जाता है। मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।